अच्छा ये बताओ ये क्या है? शार्पनर है, इसका क्या मकसद है? पेंसिल शार्पन करना। पेंसिल शार्पन करना, अगर आप शार्पन कर रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या करोगे? कुछ काम का है ये? कुछ काम का नहीं है। हाँ अच्छा ये क्या है? बॉल। इसका क्या मकसद है? इसका खेलने का, खेलने के लिए। तो बॉल को फेंको तो बाउंस होना चाहिए ना। अगर फेंको और बाउंस ही नहीं हो रहा है और कुछ काम ही नहीं है, इसको कोई यूज ही नहीं होगा इसका, तो क्या होगा? कुछ भी काम नहीं है। ये क्या है? बलून। बलून का क्या मकसद है? फुल फूलने का, ब्लो करना मकसद है। अब ब्लो कर रहे हैं ब्लो ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप? कुछ काम का है, कुछ काम का नहीं होगा। अच्छा ये क्या है? किसकी बैग है भाई? क्यों आप यहाँ से जाने वाले हो स्कूल? हाँ इसका क्या मकसद है? बुक को उठा के स्कूल लेके, स्कूल ले आना। हर एक चीज का कुछ मकसद है ना। ये किसकी वाटर बॉटल है? मेरी। ये वाटर बॉटल का क्या मकसद है? पानी रहना। ओके वेरी गुड। हर चीज का कुछ मकसद है। हर चीज का मकसद है। हाँ ये टेबल का क्या मकसद है? कुछ भी खाने खाना, कुछ भी रखे हैं, कुछ भी खाना खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चेयर का क्या मकसद है? बैठने का। ये कपड़े का क्या मकसद है? पहनने का। हाँ हर चीज का कुछ मकसद है। और एक मिसाल दे रहा हूँ, ये क्या है? चम्मच। ये क्या चीज के लिए है? इसको खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए है ये। हाँ ये चम्मच क्यों है? आपने देखा किसी को पकाते हुए? देखा है आपकी मम्मी को देखा है पकाते हुए? अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तपेली। क्या चीज के लिए है ये? खाना रखने के लिए इसे, और पकाने के लिए, और पकाने के लिए भी है। इसका कुछ मकसद है? ये क्या है? ढक्कन। क्या चीज के लिए है? कवर। क्या चीज के लिए? खाना खाने के लिए। क्यों कवर क्यों करना है? क्योंकि खराब हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पकाने में भी काम आता है और बाद में स्टोर करने में, नहीं तो सब इंसेक्ट जा सकते हैं। हाँ और स्टीम से भी कुक करते हैं। यस बहुत से वापस होते हैं। तो हर चीज का कुछ मकसद है। अब सवाल ये है, हमारा क्या मकसद है? अल्लाह की इबादत करना। अगर हम लोग बिना मकसद के जी रहे हैं, हाँ अगर जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है तो सही है गलत है? गलत। हाँ गलत। हमारे पास तो मकसद होना चाहिए ना। हाँ हम लोग दुनिया में आए, हम लोग जी रहे हैं, बिना मकसद जी रहे हैं? नहीं। कोई मकसद तो होना चाहिए ना, और पता होना चाहिए ना मकसद क्या है। तो आज हम लोग हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी के मकसद के बारे में कुछ देखेंगे। आप ध्यान से सुनो, इंशाल्लाह बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। हाँ और गिफ्ट कहाँ मिलेगा मालूम है आपको? असल गिफ्ट, रियल गिफ्ट कहाँ मिलने वाला है? जन्नत में। बिल्कुल सही, आपको इस बात पे दो पेंसिल्स मिलती है। रियल गिफ्ट कहाँ मिलने वाला है? जन्नत में। और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे बस एक छोटा सा अप्रिसिएशन। हाँ मतलब मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करो, तो बस आपको इनकरेज करने के लिए। लेकिन रियल गिफ्ट ये नहीं है, रियल गिफ्ट वो जन्नत है। हाँ तो हम लोग आज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जिंदगी का मकसद। मकसद। अच्छा ये बताओ, अगर आप घर पे हो, अचानक दरवाजा कोई नॉक करे या घंटी बजाए, टिंग टोंग बेल, और घर का दरवाजा कौन खोलता है? आपको अलाउड है खोलना? हाँ संभाला करो। हाँ नहीं खोलते हो आप? वेरी गुड। हाँ सेफ्टी के एंगल से देखो। अब सोचो आपकी अम्मी खोलते हैं, आपके फादर दरवाजा खोलते हैं, खोलने के बाद बाहर कोई है, उसको पूछते हैं यस, वो कहते हैं मैंने ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही घंटी बजाया, तो क्या लगेगा आपको? हाँ क्यों हा? अच्छा लगेगा क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ और क्या लगेगा आपको? वो पर्सन जिन्होंने ऐसे ही नॉक किया, आपको क्या लगेगा? सब सही है? नहीं, बेल खराब भी हो सकती है। ऐसे बार बार कोई नॉक करता रहे तो? हाँ घंटी कर बजाते रहे। ओके लेकिन अगर एक ही बार बजाए तो आपको क्या लगेगा? हाँ कोई वो पर्सन कोई आके ऐसे किसी का घर नॉक करे, अच्छी चीज है? नहीं। ये क्या है अभी? अब बताओ, कोई नॉक करता है, कोई कुछ कर रहा है, आप लोग यहाँ आए हो, कुछ मकसद है, कुछ सीखने आए हो। मैं यहाँ आया हूँ, कुछ ना कुछ बात करने सिखाने आया हूँ। हर चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है। हमारी जिंदगी का भी मकसद है। क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया, सूरह अज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں بنایا؟ صرف تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ہم لوگ بنا پرپس کے بنا مقصد کے نہیں جی رہے ہیں. ہماری زندگی میں مقصد ہے. اور کیا مقصد ہے؟ کہ ہم جی رہے ہیں اللہ کے لیے جی رہے ہیں. کس کے لیے جی رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے, وہ لوگ بولے ہم لوگ جی رہے ہیں پیسوں کے لیے جی رہے ہیں. پیسے ان کو چاہیے, پیسے پیسے کے لیے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں, صحیح غلط کچھ بھی کرتے ہیں. ہاں کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن لاسٹ میں جتنے پیسے ملتے ہیں نا, جب وہ دنیا سے جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے دنیا سے ہم سب کو جانا ہے. سب لوگ جاتے ہیں یہاں سے, دنیا سے سب لوگ جاتے ہیں, سب کا انتقال ہوتا ہے. ہاں جب دنیا سے جاتے ہیں تو سب پیسہ بھی ڈال دیتے ہیں قبر میں. ان کا پیسہ یہ لوگ ڈالو قبر میں ڈالو, ڈالتے ہیں. ہاں وہ پیسہ پھر کہاں ہوتا ہے؟ چھوڑ کے جاتے ہیں. تو مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ پیسہ ہوتا ہے. وہ پیسہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ جی رہے ہیں اللہ کے لیے. ہم لوگ اچھے کام کریں گے, کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. ہاں پیسے کے لیے اچھا کام کریں گے؟ صرف پیسوں کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ اچھا کام. ہاں لیکن پیسہ چھوڑ کے جائیں گے, ہمارے ساتھ ہمارا پیسہ نہیں آئے گا, لیکن ہمارے ساتھ ہمارا ایمان, ہمارے عمل آئیں گے. آئیں گے یہ سنو. ہاں تو ہمارا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور آسمان اور زمین کا صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے, صرف ایک رب ہے. اللہ ہی کی عبادت ہم سب کو کرنی چاہیے. تو وما خلقت الجن, آپ لوگ ساتھ میں ریپیٹ کریں گے میرے, ہاں تاکہ یاد ہو جائے گا, ہو سکتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. کس مقصد کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا, یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے ساری طاقت دی. کیوں دی؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں, ہم اچھے کام کریں, ہم دنیا میں اچھی اچھی چیزیں کریں. غلط کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا یہ. اللہ تعالیٰ نے دماغ سوچنے کے لیے کیوں دیا؟ اچھے کام سوچنے کے لیے, اچھے کام کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. بالکل صحیح. ہاں آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.